और आपके बायोसिंथेटिक जो फेज होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं आपका डार्क फेज बोल देते हैं तो हमसे पूछ रखा है कि आपकी बायोसिंथेटिक फेज को हमें डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है सो so अगर हम बात करते हैं ये आपका डार्क फेज इसलिए होता है क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इसमें आपके सनलाइट की एसच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है पर आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के जो कि आपके प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन की इसकी रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि आपके वो होते हैं एन और साथ में एन ये जो आपके हाई एनर्जी मोलिक्यूल्स होते हैं इन एनर्जी मोलिक्यूल्स को यूज कर कर ही डार्क रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअल फूड की सिंथेसिस होती है जो कि आपका होता है एक फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स सो so, अगर हम बात करते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है द प्रोसेस ऑफ डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस अकरिंग इन द क्लोरोप्लास्ट और ये भी क्लोरोप्लास्ट के कौन से पर्टिकुलर पार्ट part में होता है ये आपका होता है स्ट्रोमा पार्ट में सो so, आपके इस प्रोसेस का क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन को यूज कर कर जैसे कि एटीपी और एन ए यूज, यूज कर कर जब आपकी फूड की सिंथेसिस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है तो हम क्या बोलते हैं इसको डार्क फेज या बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं सो दिस इज द आंसर ऑफ आर क्वेश्चन विद दिस थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चेंगी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर